डोंट चेंज, स्टेट्स ऑफ माइंड डू। ट्रेट्स जो होते हैं वो कभी इंसान के बदलते नहीं, लेकिन माइंड की स्थिति बदल जाती है। माय डियर स्टूडेंट, निशांक क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आपको ट्रेट्स के फर्स्ट पार्ट के आपको बता रही हूँ। वोकैबुलरी की ऑलरेडी मैं 8 वीडियो बना चुकी हूँ। जो नए व्यूअर है वो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें आप, क्योंकि मैंने वोकैबुलरी कैसे याद की जाए, आप जानते हो यूपी टीजीटी पीजीटी में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अगर आपने वोकैब के क्वेश्चन सही कर लिए तो समझो सिलेक्शन आपका पक्का होता है, क्योंकि लिटरेचर मोस्टली सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चों की वोकैब की होती है। और आइए बात करते हैं वोकैबुलरी के बारे में कि वोकैब जो है हम याद कैसे करें। आज जो मैंने लिया है वो लिया है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। निशांक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रेट्स। ट्रेट्स के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 10 जो है ट्रेट्स दूंगी, अगली वीडियो उसकी 10 की होगी। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस क्या होता है कि अ पर्सन हु इज़ ओवर बियरिंग, प्राउड एंड हॉटी। अब इसी वर्ड के अंतर्गत आपको 3 वर्ड वो मिल गए। ओवर बियरिंग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये होता है असहनीय, प्राउड यानी घमंडी, और हॉटी यानी जिद्दी। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ओवर बियरिंग होता है, प्राउड होता है एंड हॉटी होता है, क्या कहलाता है? सुपर सीरियस कहलाता है। अब इस वर्ड को आप कैसे याद करें, क्योंकि हर वर्ड के साथ आप कोई ना कोई लिंक कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, तो आपके स्कूल टाइम पे या आपके परिवार में या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ही असहनीय है, आपको अच्छा नहीं लगता, प्राउड भी है और हॉटी भी है, आप उस व्यक्ति के लिए कई बार उस वर्ड को बोल लीजिए सुपरसीलियस। वो व्यक्ति जो है सुपरसीलियस है, सुपरसीलियस है। एक दो बार करोगे तो आपको इस वर्ड को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आप डेली के यूज़ करने पर ये वर्ड आपके याद हो जाएगा। सेकेंड वर्ड की बात करते हैं, मिस एंथ्रोप। अगर आपने मेरी और वीडियो देखी है, ये वर्ड कहीं मिस एंथ्रोप ये कई बार वर्ड आ चुका है। और अगर आप लगातार वे वीडियो देखते हैं ना, तो कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नए व्यूअर्स है वो ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि मैंने याद करने का तरीका बताया हुआ है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो एंथ्रोप वर्ड होता है वो मैन से जुड़ा हुआ होता है, तो मिस होता है जो घृणा करने के लिए होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो मैनकाइंड से घृणा करता है, मानव जाति से घृणा करता है, वो मिस एंथ्रोप कहलाता है। थर्ड वर्ड है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन क्या होता है? अ पर्सन विदाउट अ मोरल, जिसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसके लिए हम लिबर्टाइन यूज़ करते हैं। ये नया वर्ड है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास में ऐसे व्यक्ति ज़रूर होता है जो विदाउट मोरल होता है, आप उस व्यक्ति के लिए तो कई बार बोलिए, बोलते हुए इन वर्ड को याद कीजिए। क्योंकि देखिए ना, अगर आप इंग्लिश टीचर हैं तो आपको इंग्लिश की वोकैब आपकी मजबूत होनी ज़रूरी है, तो ट्रेड से रिलेटेड है, आप एक ही वर्ड कई बार बोल सकते हैं। तो लिबर्टाइन जो वर्ड है आप याद कर लीजिए, जिसको मोरल नहीं होता है। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस क्या होता है? अ पर्सन हु एक्ट सडनली एंड विदाउट थॉट, ऐसे व्यक्ति जो अचानक बिना विचारों के कोई भी काम करता है, बहुत जल्दबाजी में काम करता है, उसे हम इम्पेचुअस कहते हैं। अब बात करते हैं पगनाशस। पगनाशस क्या होता है? अ पर्सन हैविंग एन इंक्लिनेशन, अब ये भी वर्ड है आपके वोकैबुलरी में, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इंक्लिनेशन होता है इच्छा होना टू फाइट, लड़ने के लिए। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा क्या है, फाइट करने की इच्छा रखता है, उसे पगनाशस बोलते हैं। तो वो हर झगड़ालू प्रवृत्ति जो जिस व्यक्ति की होती है, उसे हम पगनाशस बोलते हैं। रैपाशस, रैपाशस क्या होता है? पर्सन हैविंग अ ग्रास्पिंग नेचर एंड ग्रीडी। अब देखेंगे, मैं आपको और चीज़ बता रही हूँ, वो कैब याद करने का एक और तरीका बता रही हूँ। एक वर्ड होता है आपने देखा होगा ग्रास्प, GRASP, अगर वो नाउन के रूप में है या वर्ब के रूप में होता है तो ग्रास्प होता है ग्रहण करना। लेकिन यहाँ ध्यान देखिए, इतना तो ये वर्ब है और ना ही ये नाउन है, क्योंकि नाउन तो यहाँ पर नेचर है। वो कैब को याद करने का तरीका होता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम जो वो कैब आती है ना, सिनोनिम्स दिए होता है, तो ये भी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है, हमें समझ में नहीं आता हम कौन सा इसको सही करके आए, और या हमने ये किया था ये भी तो सही है, आयोगनिस का आंसर ये क्यों माना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आपको ये देखना है जो वर्ड का सिनोनिम्स पूछा है वो वर्ड नाउन है, अगर वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम्स भी आप नाउन ही दोगे, अगर वर्ब के रूप में पूछा है तो वर्ब ही दोगे। बच्चे क्या करते हैं ना, वो कैब को याद करने का एक तरीका, एक रट्टा मारना अलग चीज़ है कि आपने रट्टा मार लिया, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप वो कैब इस तरह से याद करोगे कि नाउन है तो नाउन का मीनिंग नाउन होना क्या होगा, वर्ब है तो वर्ब का क्या मीनिंग होगा। अब ये ग्रास्प में ING लगने पर ये बन गया है आपका एडजेक्टिव, ग्रास्पिंग नेचर। तो ग्रास्पिंग यहाँ होता है ग्रीडी के लिए, जहाँ दिया हो ना ग्रीडी, यहाँ को मतलब ग्रीडी दिया हुआ है, तो ये ग्रीडी ग्रास्पिंग का मतलब होता है लालची व्यक्ति।
ऐसा व्यक्ति जिसका लालच वाला नेचर होता है या ग्रीडी वाला नेचर होता है तो रैपेशियस कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कैब कहते हैं ना, वो कैब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर याद नहीं करते हैं। तो आज के बाद जब भी आप वो कैब याद करें तो उसका आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर देखें कौन सा है। जैसे एक डेजर्ट वर्ड है, डेजर्ट अगर नाउन के रूप में है तो आपका रेगिस्तान हो जाता है। अगर उसमें आप वेजेट के रूप में देखेंगे तो उसका मैं त्यागा हुआ होता है, त्यागना, छोड़ देना। तो वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, आपको दो चार वर्ड्स के एग्जांपल दे दूंगी किस तरह से आप याद करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो ही बताऊंगे, अदरवाइज नहीं बताऊंगी। मालिशियस, मालिशियस क्या होता है? ग्रीडी, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ मालिस एंड सॉरी, ये जो मालिस, ये ग्रीडी वर्ड है ना, दो बार रिपीट हो गया, इसमें ग्रीडी नहीं आएगा। यहाँ से ये मालिशियस का है आपका, ये आपका है, एक मिनट जरा, अ पर्सन, अब मैंने क्या बोला, गेड़ी आप इसमें से काट दीजिएगा। अ पर्सन हु इज़ फुल ऑफ मालिस एंड इल विल। मालिस क्या होता है? जो ईर्ष्या की भावना रखता है, बुरी इच्छा होती है आप किसी के प्रति, तो उसे बोलते हैं मालिशियस। चीज़ ध्यान रखिएगा आप, मालिशियस। आप देखते हैं इंसीडियस, इंसीडियस होता है अ पर्सन हु डज हार्म सीक्रेटली एंड क्राफ्टली। ऐसा व्यक्ति जो आपको चुपचाप से या बड़े ही क्राफ्टिंग तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं इंसीडियस, इंसीडियस। अब बात करते हैं पेटुलेंट, पेटुलेंट होता है, पेटुलेंट भी बोल सकते हो, पेटुलेंट भी बोल सकते हैं। अ पर्सन अनरीजनेबली इम्पेशेंस और इरिटेबल। एक व्यक्ति होता है जो अनरीजनेबल, जिसको कोई रीज़न नहीं होता है, इम्पेशेंस यानी जिसको धैर्य नहीं होता और इरिटेबल होता है। तो पेटुलेंट वो व्यक्ति होता है जो तर्कहीन होता है, झगड़ालू एक तरह से होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसको हम पेटुलेंट बोलते हैं। हाइपोक्राइट, ये वर्ड मोस्ट से बच्चे जानते भी होंगे। अ पर्सन हु इज़ फेनिंग टू बी व्हाट इज़ नॉट। फेनिंग वर्ड आया है, फेन क्या होता है? बहाना बनाना। ऐसे व्यक्ति वो जो बहाना बनाता है जो कि वो नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वो कैब को इस तरह से याद करना चाहते हैं कि हम एक ही वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, अगर आपको ऐसे वो कैब याद करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे वर्ड्स को बनाने में, इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है और काफ़ी उसमें मेहनत लगती है। अगर आपको ज़रूरत है तो बताइएगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो थी, आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर किया करो, मुझे कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आप कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाय।